आज हम बताने वाले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके प्लांट्स को फास्टर ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहली ट्रिक बताते हैं और टिप्स भी बताते जाएंगे और ट्रिक्स भी बताते जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे टमाटो आ रखे हैं इस वाले प्लांट में। और आपको अगर ज़्यादा टमाटो चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो ग्रो कर सकते हैं ताकि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आए। ठीक है, और फिर बात की आती है कि फ्लावर्स जो हैं वो सूख जाते हैं, फिर टमाटो नहीं आते, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके फ्लावर्स के ऊपर चढ़ते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी से वो उनके वाइब्रेशन से अंदर रिएक्शन होता है, फिर जो टमाटो है वो बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर बन रहा है, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आपको जैसे ये फ्लावर दिख रहा है मेरे को ये है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट कर दो तो थोड़ा सा ना अंदर रिएक्शन होता है, फिर आपके जो प्लांट टमाटो हैं वो आपको फास्ट मतलब जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो ऐसी ही मैंने ट्रिक लगाई और इसमें जो छोटे छोटे अभी उग रहे हैं ये मैंने कुछ दिन पहले ही करा था और ऐसे हो गए हैं। एक और पीछे उग चुका है ये वाला, यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये दिख रहा है, और यहाँ पे फ्लावर्स है सारों को मतलब सभी फ्लावर्स को वाइब्रेट कर देना है। ओके, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको दिखा होगा कि मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए थे कैप्सिकम चिली एंड ब्रिंजल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो मेरे प्लांट हैं वो उग चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं ये बहुत सारे उग चुके हैं। तो अब बात होती है चिली की, तो चिली आपको अगर ज़्यादा स्टेम चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा। थोड़ा फोकस करके बताता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा ये एक चिली का प्लांट है, और अभी मैंने देखा था कि एक नीलकंठ आई थी बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, जैसे ही मैंने कैमरा उठाया वैसे ही वो भाग गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक चिली का है। जब भी आपका चिली ज़्यादा मतलब इतना बड़ा हो जाए थोड़ा ऊपर हाइट का, तो आपको क्या करना है, इसकी जो ऊपर वाली स्टेम है जैसे कि ये है ये वाली स्टेम, ये आपको तोड़ देनी है। ठीक है, फिर उससे जो ये मक्खी भी पता नहीं परेशान करती, तो उससे जो होगा कि आपका जो आपकी जो ब्रांचेस है प्लांट्स की ब्रांचेस वो ज़्यादा फैलेंगी और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी और ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगी। तो नेक्स्ट ट्रिक पे चलते, और मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाऊँ तो मेरे जो टमाटर हैं वो मैंने सिक्योर कर दिए हैं ये नेट लगा के, और भी मेरे टमाटो हैं जैसे कि आपको पहले दिखाया एक, ये तो ये वाला था, एक आ गया गिरा, और इसके पीछे भी है एक, और तीन यहाँ उग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं वो दो नीचे वाला कहाँ है, ये रहा, ये मोटा। ठीक है, धूप बहुत आ रही है तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और प्लांट सूखने की, तो जैसे कि मैं दिखाऊं आपको तो मेरा घर बहुत ऊंचा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये वाला घर बहुत बड़ा,
को ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, और जो सर्दियों में होता है, अभी अभी सर्दी निकली है तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, ठंडी थी, और उसमें मेरे प्लांट्स जो है सूखने लगे थे। सबसे ज्यादा जो मेरा मनी प्लांट था वो सूखने लगा था पूरी के पूरी तरह, और ये दोनों थे, ठीक है। तो फिर मैंने इनको ग्रीन नेट में छुपा दिया था ताकि इनको मतलब पता नहीं क्या, सॉरी, ठीक है। तो अच्छे से कवर कर दिया था, ठीक है। तो अभी जो ये प्लांट है आपको दिखा देता हूँ, आपके जो देखा था पहले वीडियो में कि मैंने जो प्लांट्स सारे उगाए हैं वो उग चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये आपको दिख रहा है, ये वाला है कैप्सिकम, और चली पता नहीं होगी, मैंने मिक्स करके डाल दिए थे, वो भी कैप्सिकम है। ये हमारा कड़ी पत्ता है, वो हमारे फ्लावर्स वाले हैं जो मैंने उगा दिए। ये टमाटो है, ये बाकी और वो वहाँ पे लग रखे हैं, और बाकी पपाया भी उग चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।